तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिंदी फर्स्ट मॉडल पेपर के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कबीर दास जी के टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, टैग मेरा है टॉप 20 क्वेश्चन ऑफ कबीरदास। तो सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलने वाले, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कबीरदास जी से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वो कौन से टॉप 20 क्वेश्चन हैं। आते हैं पहले क्वेश्चन पे, कबीरदास का जन्म कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर जिन स्टूडेंट को मालूम है बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड कर दी थी काफ़ी दिन पहले, अगर वो वीडियो नहीं देखा है जिन स्टूडेंट में, चैनल पे जाके वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो टैग है टॉप 20 क्वेश्चन का। ठीक है, तो इनके जन्म के बहुत सारे मतभेद हैं, किसी कवि के अकॉर्डिंग या किसी लेखक के अकॉर्डिंग कोई अपना बता रहा है कोई अपना बता रहा है, लेकिन जो ज़्यादा माना जा रहा है वो है क्या, ऑप्शन नंबर एक है 1488, बी नंबर 1550, सी नंबर 1398 और डी नंबर है 1600। तो जो ज़्यादा मतभेद है यानी कि जो ज़्यादा वायरल हो रहा है कि इनकी जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1398 ईस्वी में। ठीक है, एग्जैक्टली किसी ने नहीं बताया है, सबसे ज़्यादा मतभेद जो आ रहे हैं वो हैं 1398 में, इसलिए राइट आंसर ये माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के पिता का क्या नाम था? नंबर एक है दशरथ, बी नंबर है नीरू, सी नंबर है नंद और डी नंबर है बलवान। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर नीरू। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर नीरू। इस वीडियो में कबीर दास जी से जुड़े बहुत ज़्यादा जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर बीए के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बता ही रहे हैं। ठीक है, तो बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बस मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कबीर दास के गुरु का क्या नाम था? नंबर एक नरिहर दास, बी नंबर रामानंद, सी नंबर रामानुज और डी नंबर है रैदास। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कबीर दास के गुरु का नाम है रामानंद। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इन क्वेश्चन को आपको रट के ही जाना है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम आने ही वाले हैं, अब आप लोगों को और बहुत तेज़ी से आप लोगों को प्रिपरेशन तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की पत्नी का क्या नाम था? नंबर एक नंदनी, बी नंबर है उपमा, सी नंबर है रीमा और डी नंबर है लोई। तो आई होप जिन स्टूडेंट को मालूम है वो बेशक कमेंट सेक्शन में बताए, जिससे आपको आइडिया लगे गेस कर सके। ठीक है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा डी नंबर लोई, कबीर की पत्नी का नाम था लोई। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कबीर निर्गुण काव्य धारा के किस शाखा के प्रवर्तक थे? नंबर एक कृष्णाश्रयी, बी नंबर ज्ञानाश्रयी, सी नंबर है प्रेमाश्रयी और डी नंबर है रामाश्रयी। तो कबीर निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी के, ठीक है, शाखा के प्रवर्तक थे, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कबीर साहित्य के किस काल के कवि थे? कबीर हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आदिकाल, छायावादी काल, सी नंबर भक्तिकाल, डी नंबर रीतिकाल। तो जो हमारे कबीर दास जी थे साहित्य के, जो भक्तिकाल के कवि थे, ठीक है, हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के कवि श्री कबीरदास जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख ही रहे होंगे क्वेश्चन जितने भी हैं सब कबीरदास जी से एकदम सटीक, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, जरा सा थोड़ा डिफरेंट नहीं है, एकदम खास टू खास जुड़े हुए हैं। कबीरदास जी किस जात के थे? नंबर एक धुनिया, बी नंबर जुलाहा, सी नंबर है दर्जी, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर जुलाहा। ठीक है, कबीरदास जी जुलाहा जात के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक के कितने भाग हैं? ठीक है, नंबर एक 8, बी नंबर है 4 और सी नंबर है 3 और डी नंबर है 7। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे जो लोकप्रिय, ठीक है, कृति है, यानी कृति या आप कह सकते हैं रचना है, वो कबीरदास जी की बीजक है। ठीक है, तो बीजक के मैं आपको बता दूं कितने पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानना जरूरी है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 3। अब 3 कौन है मैं आपको बता दूं, पहला साखी, ठीक है, जिन स्टूडेंट को नहीं मालूम है,
साखी, सबद, रमैनी, ठीक है। तो इनके तीन बीजक के तीन पार्ट थे यही, ठीक है, साखी, सबद, रमैनी, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के अनुसार, थोड़ा यहाँ टाइप करने मिस हो गया, आर होना चाहिए, अनुसार कबीर के मुस्लिम गुरु कौन थे? नंबर एक शाहजहाँ, बी नंबर शेख तकी, सी नंबर मोहम्मद शाह रंगीले और डी नंबर है उस्मान। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु थे बी नंबर सर शेख तकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक किस सन में संकलित हुई? अभी आपने ऊपर देखा बीजक, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि बीजक किसरी किसकी कृति है या किसकी रचना है, तब आप वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कबीरदास, ठीक है, चार ऑप्शन होंगे तब। और जब क्वेश्चन ये आ जाएगा कि बीजक के कितने भाग थे, तो आप लोगों को सिलेक्ट करना है तीन, उसमें ऑप्शन रहेंगे तीन, चार, पाँच, छः, तो आपको तीन को करेक्ट करना है। अब क्वेश्चन आ जाए बीजक के, बीजक किस सन में संकलित हुआ है, तो वो आपको इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे। तो नंबर एक ऑप्शन है 1510 और बी नंबर है 1600, सी नंबर है 1464 और डी नंबर है 1550। तो आपको सिलेक्ट करना है सी नंबर, ठीक है, 1464 ईस्वी में बीजक संकलित हुई थी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कबीर पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ कौन है? नंबर एक छत्र प्रकाश, बी नंबर है भक्तमाल और सी नंबर है ए बी दोनों और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर भक्तमाल, ठीक है, कबीर पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ है भक्तमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के पुत्र और पुत्री का क्या नाम था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रघुदास, रघुवर और सी नंबर है कमाल, कामाली और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो जनरली ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई होप आप सभी को मालूम ही होगा इसका आंसर, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कमाल और कमाली, ठीक है, कबीर के पुत्र और पुत्री थे, ये पुत्र और ये पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कबीर ने अपने काव्य में श्रेष्ठ किसे माना है? गुरु को, बहना को और पुत्र को, पत्नी को। तो कबीर ने अपने काव्य में जो सबसे श्रेष्ठ माना है वो माना है अपने गुरु को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उनका काव्य जो भी है जो उन्होंने अपने काव्य में सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि मेन तो आप लोगों का गुरु ही होता है, तो उन्होंने अपने अनुसार गुरु को सिलेक्ट किया है, उन्होंने काव्य में सबसे श्रेष्ठ जो माना है गुरु को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में बीजक का संग्रह कबीर के कौन से शिष्य ने की थी? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बीजक का संग्रह, ठीक है, संग्रह ग्रुप कौन से शिष्य ने की थी? धर्मदास, रैदास, पीपा, धन्ना। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिन स्टूडेंट को मालूम बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर, धर्मदास ने, ठीक है, धर्मदास ने ए नंबर। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, निम्न में साखी में कौन सा छंद प्रयुक्त है? तो आपने पढ़ा है भी कि बीजक के तीन पार्ट होते हैं, साखी, सबद, रमैनी, तो अब यहां पर बात हो रही साखी के बारे में, ठीक है, तो साखी में कौन सा छंद प्रयुक्त है? ऑप्शन नंबर एक है सोरठा, बी नंबर है रोला, सी नंबर है चौपाई, डी नंबर है दोहा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, साखी में जो छंद प्रयुक्त है वो है दोहा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कबीर पंथ के प्रवर्तक कौन हैं? नंबर एक तुलसीदास, बी नंबर रहीमदास, सी नंबर कबीरदास और डी नंबर है केशवदास। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, कबीरदास, कबीर पंथ के प्रवर्तक स्वयं श्री कबीरदास जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कबीर की वाणी का संग्रह किसमें था? ऑप्शन नंबर एक है शबद, बी नंबर है रामायण, सी नंबर है बीजक, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीजक, ठीक है, सी नंबर बीजक में, निम्न में कबीर की वाणी का संग्रह किसमें था? वो था बीजक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कबीर किस शासक द्वारा अनेक बार प्रतंडित हुए? तो कबीरदास जी किस, क्योंकि पुराने काल की बात है, ठीक है, पहले की, तो उसमें शासक चलते थे, सिकंदर लोधी, अकबर, बीरबल, शेरशाह सूरी, शाहजहां, ठीक है, और शिजाउद्दौला, बहुत सारे थे उसमें शासक, ठीक है। तो कबीर
किस शासक द्वारा अनेक बार प्रतिदंडित हुए हैं? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सिकंदर लोधी द्वारा कई बार वो प्रतिदंडित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकी किस भाषा में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुजराती, बी नंबर राजस्थानी, पंजाबी, मिली खाड़ी बोली, और सी नंबर है नेपाली, डी नंबर है फारसी। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली में साकी की लैंग्वेज है यानी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ था? तो कबीर पंथ आपने ऊपर पढ़ा ही है, कबीर पंथ का निर्माण जो उसकी स्टार्टिंग है इनमें से किस सिद्धांत से हुआ था? नंबर एक धर्म से, बी नंबर आराधना से, और सी नंबर है भारतीय ब्रह्मवाद से, डी नंबर है विरह से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, भारतीय ब्रह्मवाद। ठीक, कबीर पंथ का निर्माण भारतीय ब्रह्मवाद के सिद्धांत पे हुआ था। तो दोस्तों आई होप आपके टॉप 20 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, सारे क्वेश्चन मैंने आपको टैग था मेरा टॉप 20 क्वेश्चन, ठीक है, तो टॉप 20 क्वेश्चन मैंने आपको बताए दिए हुए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपके लिए यूजफुल और हेल्पफुल दोनों हुए होंगे आशा करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, हम और भी क्वेश्चन लाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम जल्द ही कबीर दास जी से टॉप 50 क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चन की वीडियो आने वाली है, तो जिन स्टूडेंट को चाहिए प्लीज़ कमेंट में बताइए। ये सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में जितने भी बताएं सब कबीर दास जी से एकदम जुड़े हुए हैं, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो आएगी मेरी कुछ दिन के बाद 50 क्वेश्चन की, जिन स्टूडेंट को चाहिए कमेंट में बताएं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है उससे जुड़े और उस पर हमें बताएं। और ये सारे क्वेश्चन आपको PDF में और वेबसाइट पे भी मिलने वाले हैं, मैं आपको बता दूं कौन सी वेबसाइट है, तो ये आपकी अपनी वेबसाइट है, मैंने आप लोगों के लिए ही बनाई है कि यहाँ पर स्टूडेंट को काफ़ी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो sandeepinfo.com ये वेबसाइट है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ इस वेबसाइट को चेक जरूर करिए, यहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं BA से रिलेटेड, ठीक है, और हिंदी के, समाजशास्त्र के, इतिहास के बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस पर मिलने वाले हैं। तो वेबसाइट पर विजिट करिए और सारे क्वेश्चन पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, कहीं भी जाते हुए भी आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, तो इसलिए मैंने उस पर भी डाल दिया है। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय दोस्तों।